हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट, दोस्त और आपका इंस्ट्रक्टर। मेरा नाम है ऋषभ एंड आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और गाइस, आज के इस ट्यूटोरियल में हम काफ़ी सारी बातचीतें सीखेंगे, काफ़ी कुछ सीखेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर मैं काफ़ी कुछ बिहाइंड द सीन्स वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरी नई वेबसाइट को चेक नहीं करा है तो उसको भी चेकआउट कर लीजिए। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कोर्सेज मिलेंगे, साथ ही साथ आपको काफ़ी सारा फ्री स्टफ देखने को मिलेगा। सो इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप इन तीनों को चेकआउट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देगा, और वीडियो कौन सा पार्ट अच्छा लगता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अब आप सबका स्वागत है कोर्स के अगले हिस्से में, और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फिल्मोरा के इंटरफेस के बारे में। जब आप फिल्मोरा को लॉन्च करोगे तो आपको इस तरह की कुछ स्क्रीन में अपना सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे मैं जो बात करूँगा वो उसके बेसिक इंटरफेस के बात करूँगा कि ये वाला सेक्शन क्या है, ये वाला सेक्शन क्या है और ये सेक्शन क्या है। यहाँ पे आपको तीन सेक्शन या तीन विंडोज़ कह सकते हैं, तो क्या इसे प्रोग्राम विंडो कहते हैं या फिर मॉनिटर विंडो कह सकते हैं। मल्टीपल लोग इसका अपना अलग अलग नाम रखते हैं, बट जनरली इसको प्रोग्राम विंडो ही कहते हैं। और ये होती है आपकी टाइमलाइन, और यहाँ पे आपके काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स, प्रीसेट्स और जो भी आपकी फुटेज है वो सब यहाँ पे स्टोर होती है। तो यहाँ पे हम फुटेज वगैरह स्टोर करते हैं, और यहाँ पे हम अपनी फुटेज को देखते हैं चला के, चाहे वो यहाँ से रन करें और चाहे वो टाइमलाइन पे ला के रन करें, या फिर जब भी हम कोई एडिटिंग करेंगे तो बेसिक एडिटिंग या जो भी एडिटिंग करेंगे, जो भी काम करेंगे उसका रिजल्ट देखने के लिए प्रोग्राम विंडो का यूज़ होता है। तो ये बेसिक टाइप का इंटरफेस है फिल्मोरा का। एंड यहाँ पे हमें और ही पैनल्स देखने को मिलते हैं, तो मैं अगले आने वाले वीडियोस में आपसे एक एक पैनल के बारे में डिस्कस करूँगा। मैं पर्टिकुलर पहले इसके बारे में डिस्कस करूँगा, फिर प्रोग्राम विंडो के बारे में डिस्कस करूँगा, और टाइमलाइन के ऊपर जो भी ये ऑप्शंस दिए हैं आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है, तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा। और मैं एक एक करके इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि आपको आसानी समझ में आए और आपको पता चले कि ये यहाँ पे कोई भी इसे टाइटल्स लिखा है, ऑडियो लिखा है, मीडिया लिखा है, या जितना भी जो भी ऑप्शंस दिए हैं उनका क्या मतलब है, ताकि आप इसको बहुत ही सीमलेसली यूज़ करो। और इसीलिए मैं वीडियोस को थोड़ा छोटा छोटा बना रहा हूँ ताकि आपको बड़े वीडियोस देखने में नींद ना आए या फिर बहुत लेंदी वीडियोज़ ना लगें। तो आई होप आपको ये बेसिक जो इंटरफेस है वो फिल्मोरा का समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये तीन जो है चीज़ें मैं उनके बारे में ही आने वाली वीडियोज़ में बात करूँगा आपसे।